हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द पवेलियन. मैं हूं फखर आलम. आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स. आवर कंटिन्यूड कवरेज ऑफ द एचपीएल पीएसएल सीजन 9 एंड व्हाट अ फैंटास्टिक सीजन दिस हैज बीन सो फार. विद मी इन द पवेलियन आई एम जॉइंड बाय फोर फॉर्मर कैप्टन्स ऑफ पाकिस्तान, फोर फैंटास्टिक इंडिविजुअल्स, फोर जेंटलमैन हु सर्व द गेम ऑफ क्रिकेट एंड पाकिस्तान रियली वेल. फर्स्ट अप आई गॉट अज़हर अली. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अज़हर. वालेकुम सलाम. थैंक यू. नेक्स्ट आई गॉट द प्रोफेसर हिमसेल्फ मोहम्मद हफीज. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम हफीज. वालेकुम अस्सलाम. The most successful test captain in Pakistan's test cricket history, Misbah-ul Haq. Hello, assalamu alaikum and welcome. Waalaikum assalam. Bahut shukriya jinaab. And finally, the greatest all-rounders of them all, ladies and gentlemen, the Sultan of Swing and the Swinging Sultan, I've got Waseem Akram. Assalamu alaikum and welcome, Waseem. Assalamu alaikum ji. Good afternoon, everyone. Good evening, / whatever it is right now. In between. Which? Beech ka. All right, dosto, surat-e-haal kuch is tarike se hai ki kal ek aur match khela gaya tha Karachi National Stadium ke andar, jahan pe Karachi Kings ka mukabla hua tha Multan सुल्तान्स का. और आइए सबसे पहले तो मैच समरी पे नजर डाल लेते हैं कल के मैच की. कल का ये मैच था. मुल्तान सुल्तान्स पहली टीम है जो कि अब क्वालिफाई कर चुकी है प्लेऑफ्स के लिए. उन्होंने पहले बैटिंग करते हुए 189 किया 3 विकेटों के नुकसान पर. उस्मान ने एक बहुत ही जबरदस्त इनिंग्स खेली 106-59 डिलीवरीज पे. व्हाट अ फैंटास्टिक इनिंग्स इट वाज. एंड देन रिजवान देयर कैप्टन नॉक 58 of 44. हेंड्रिक्स एंड कुछ दिल दे 13 and 6. हसन अली ने एक विकेट हासिल की 34 रन पे और मुजर अबानी ने दो विकेट हासिल की 32 रन से ऊपर. कराची किंग्स ने जवाब में 169 रन बनाए 7 खिलाड़ियों के नुकसान पे. और इसमें ज्योतिष मलिक इनिंग्स की टॉप पे 38 रन उन्होंने किए. शान मसूद कप्तान ने 36 रन किए. स्टार्ट लिए दोनों ने लेकिन अनफॉर्चुनेटली आगे लेकर ना जा सके. नवाज ने नीचे 27 रन किए 17 गेंदों के ऊपर. एंड देन न्याजी कॉन्ट्रीब्यूटिंग विद 23 of 19 डिलीवरीज. उसामा मीर दो विकेटें उठाई उन्होंने कल के मैच में 29 रन देकर 4 ओवरों में. खुशदिल ने बेहतरीन बॉलिंग की 3 ओवरों में सिर्फ 16 रन दिए और एक विकेट हासिल की. विली देयर पिकिंग अप 1 for 32 इन हिज 4 ओवर्स. एंड क्रिस जॉर्डन लुकिंग स्पेक्टेकुलर विद दोज यॉर्कर्स इन द डेथ ओवर्स 1 for 34 in his 4 overs. Multan Sultans winning this one by 20 runs and qualifying for the playoffs. Aaiye zara points table pe nazar dal lete. This is how the points table is looking right now. Multan Sultans are right on top with 12 points and they have qualified for the HBL PSL 9th edition playoffs. Quetta Gladiators right behind them 9 points ke sath dusri position pe hain. Peshawar Zalmi 7 points ke sath teesri position pe. Islamabad United जो है 5 पॉइंट्स के साथ चौथी पोजीशन पे. कराची किंग्स 4 पॉइंट्स के साथ पांचवी पोजीशन पे. लाहौर कलंदर्स बदस्तूर एट द बॉटम ऑफ द टेबल द डिफेंडिंग चैंपियंस विद ओनली 1 पॉइंट जो कि बारिश की वजह से उनको मिला. एंड दैट्स हाउ द पॉइंट्स टेबल इज. द टॉप 4 टीम्स विल क्वालिफाई फॉर द प्लेऑफ्स. दैट्स हाउ द सिचुएशन इज राइट नाउ. तो जनाब शुरू करते हैं कल का ये मैच था. सबसे पहले तो सदरे कराची किंग्स वसीम अकरम आप मुझे बताएं आपको झलकियां देखते वक्त भी उतना ही दुख हो रहा था जितना आपको लाइव मैच देखते हुए हो रहा था? आई थिंक वो उस मैच से मैं चेक आउट हो चुका हूं. वो मेरे ब्रेन में नहीं है. कल रात मैच भी हुआ था कोई. बट कमिंग बैक टू द गेम लास्ट नाइट. ओके दे प्लेड बेटर क्रिकेट. दे वन. दे लुक बेटर. इट वॉज वेरी टिमिड परफॉर्मेंस बाय कराची किंग्स. देखो खेल में हार जीत होती रहती है. मैं कह के बुढ़ा हो गया. बट यू गॉट अ फाइट. कैप्टन शुड लुक हैप्पी. आई अंडरस्टैंड स्ट्रेस है प्रेशर है एवरीथिंग है. बट यू गॉट अ मेक श्योर टीम देख रही है. कम अज कम लुक लाइक यू आर एंजॉइंग योर सेल्फ. इवन वेन ही गेट्स आउट ही गोज आउट सिट इन द डग आउट. यू डोंट वॉन्ट टू बी सिटिंग नेक्स्ट टू हिम बिकॉज ही लुक्स क्वाइट सैड. चकल से पता लग जाता है. आई सपोज स्ट्रेस है अंडरस्टैंड बट दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ वट वी डू. Yesterday the Karachi Kings camp was looking pretty glum, especially जब हम एंड में देख रहे थे आखिरी ओवर का जो मैच चल रहा था मिसबा और वो जो शॉट्स दिखा रहे थे टेलीविजन के ऊपर. तो उसमें सारी की सारी टीम कप्तान भी जो प्लेयर्स भी मौजूद थे जो सपोर्ट स्टाफ भी था वो भी जो था. ऐसे मौके पे टीम किस तरीके से अपने आप को यहां से वापस पिक करे. बिकॉज नाउ दे गॉट देयर बैक्स अगेंस्ट द वॉल. दे हैव टू विन ऑल दीज गेम्स एंड देन होप दैट समबडी एल्स लूजेस और किसी का किसी से मैच इस तरह हो तो ये फिर आगे जा सके. देखिए इतनी बुरी सिचुएशन है नहीं जितनी कुल लग रही है उनकी. क्योंकि दूसरी टीम भी देखे ना फंसी हुई. इस्लामाबाद भी उनके साथ. इस्लामाबाद एक पॉइंट आगे है. वो इतना ज्यादा फर्क नहीं है. मसला ये है कि एक तो टीम की उस तरह से बैटिंग में कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा किसी भी प्लेयर का पॉलार्ड के अलावा जो होना चाहिए और वही मिस कर गए मैच. फिर बीच में थोड़ा सा इनकी जो बीमार हुए प्लेयर उसकी वजह से भी थोड़ा सा उनको झटका लगा. तो ओवरऑल मुझे लगता है दो मैच बड़े ज़बरदस्त जीते थे इन्होंने. बट उसके बाद जैसे जैसे इनको जो इम्पोर्टेंट मैचेस में प्लेयर मिस आउट होना शुरू हुए पेट खराब हो गया. फिर मेन प्लेयर जिसने दो मैच जिताए वो चला गया पिछले मैच में. वो सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट कर रही हैं कहीं ना कहीं. वो जो होप आती है ना आपको एक
वो हो पाए, जैसे कुछ बेहतरी की तरफ जाने लगते हैं तो कोई ना कोई झटका उनको पड़ जाता है। तो मुझे लगता है वो सारी चीजें मिलके जो है ना, वो इस किस्म का जो कैंप में आपको सूरत हाल नजर आ रही है, वो ये सारी रीजंस उस वजह से। हफीज, यू हैव सीन कराची किंग्स and we've all seen the Lahore Qalandars journey at the same time, right? Lahore Qalandars ko bhi baar baar yahi samna karna pad raha hai, you know, defeat after defeat after defeat. Karachi Kings ne do matches jeete, but uske baad it looks like they have lost, you know, they've come off track, like train chalte chalte achanak patri se jis tarah utar jati hai. Mizbah ne kaha ki theek hai, matlab ho gaya sab kuch, ab ho gaya, magar kal ki jab aap performance dekhte hain, Pollard wala factor chhod ke baaki aapko kya lagta hai ki where were they precisely missing the tricks? यानी कि जो आप पिन पॉइंट कर सकें कि ये परफॉर्मेंस गलत, ये अच्छी नहीं थी, ये लोग जो हैं जिनको कि हम पिन पॉइंट कर सकते हैं। देखें, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी एज ए बैटिंग यूनिट। देखें आपकी जैसे शान है, कल उनका स्टार्ट अच्छा था, मलिक आते चौके लगे उनके, लेकिन पहले 10-10 बॉल खेलने के बाद वो जो डोमिनेशन आपकी आनी चाहिए एज ए बैट्समैन वो नजर नहीं आई। इनकी जो ओवरऑल जो टीम है वो किसी के आने जाने से मैं नहीं समझता कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। यस, पोलार्ड मेड दैट डिफरेंस इन द लास्ट टू गेम्स, लेकिन इनका राइट कॉम्पोजिशन नजर नहीं आ रहा। जो टीम है वो कहीं ना कहीं जैसे नमाज है, उनकी परफॉर्मेंस ना होने के बराबर है इस पूरे टूर्नामेंट में सो फार। लेकिन अभी तक ये उनके अलावा ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने के बारे में नहीं सोच सके, जो कि दूसरी टीम ने किया। जलमी की टीम की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने फौरी तौर पर अपने आप को चेंज किया और अपनी जो माइंड सेट है उसको बदल के आरिफ याकूब को बीच में लेके आए, तो तब से उनका डिफरेंस जो है क्रिएट कर रहा वो एज ए बॉलिंग यूनिट। इनके पास ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन ये वो जैसे टिमिड एटीट्यूड समझ ले या टिमिड अप्रोच समझ ले, वो दूसरों के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। वो कह रहे हैं कि इस स्क्वाड ऑफ 20, समटाइम मैंने भी सुना है कि शान ने इस तरह की बात की है, लेकिन इफ इट्स अ स्क्वाड ऑफ 20, व्हाई यू आर नॉट प्रेजेंटिंग द सेम अपॉर्चुनिटी टू एवरीवन? अगर कोई बंदा परफॉर्म नहीं कर रहा वहां पे, दूसरे जो बैठे हैं उनको साथ खेले, एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है शैटर्ड किया गया। जैसे अखलाक दो मैच खेले बाहर हो गए, उन्होंने क्या गलत किया कि वो दो मैच में बाहर हो गए? अब टीम साइफर्ड ने अगर दो मैच में स्कोर नहीं किया तो आप उनको भी बाहर निकाल देंगे? इट डजंट वर्क लाइक दैट इन अ लीग समवेयर। यू नीड टू प्रोलॉन्ग अ लिटिल बिट विद द प्लेयर, थोड़ा सा उसको मजीद कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, और समटाइम जब आपको पता लग रहा है कि प्रोसेस ठीक नहीं है, आई एम टॉकिंग अबाउट नमाज, तो आपको एक डिसीजन लेना है, जस्ट ब्रिंग समवन एल्स। अनवर को कल ड्रॉप कर दिया, अगला मैच भी पिंडी में है, और पिंडी में मेरा नहीं ख्याल आपको ढाई या तीन स्पिनर्स की जरूरत है। जो वहां का हमने देखा है एवरेज स्कोर इस लास्ट ईयर वॉज 209, पांच दफा आई थिंक 240 हुआ है वहां पे, और उसमें दो दफा चेज हुआ है, सो इट लुक्स अ गुड ट्रैक। वो अलहदा बात है कोई ग्राउंड मैन ना फिर गया कराची स्क्वायर ते फिर। कराची के लिए मुझे लगता है कि आउट ऑफ द बॉक्स जो भी उनके पास अवेलेबल तमाम लोग बड़े में हैं जिनको आपने पिक किया फॉर द राइट रीजन, आप उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करें। राइट सर, व्हाई हैज मोहम्मद नवाज नॉट बीन एबल टू इवॉल्व? इट सीम्स लाइक कि जो उनकी स्ट्रेंथ थी वो भी डिमिनिश होना शुरू हो गई हैं। वो एक तो होता है ना, आप ऐड करते हैं, जिस तरह हमने बाबर आजम की आखिरी सेंचुरी देखी, हमने नए शॉट्स देखे विच वॉज सच अ ट्रीट टू वॉच, यू नो, एज इट इज ही इज एक्सक्विजिट एंड एक्सलेंट, बट ही वॉज एट अ डिफरेंट लेवल दैट डे। ही इज इवॉल्व्ड क्लियरली, यू कैन सी दैट इज, बट नवाज इट सीम्स लाइक वो एक वन डिमेंशनल गेम ही खेल रहे हैं, और उसमें भी वो जो है आहिस्ता आहिस्ता उनकी परफॉर्मेंस डिमिनिश होती जा रही है। आई थिंक हमने बड़े स्टार्ट के शोज में एक बात की थी कि यू हैव टू बी गुड स्टूडेंट ऑफ द गेम। ठीक है, आप ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं कि यार इस या कहाँ मुझे मसला हो रहा है, कहाँ पे मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, कहाँ दूसरे लोग अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, आप एक ही तरह से बैटिंग नहीं कर सकते, एक ही तरह से बॉलिंग नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप ऐसे लेवल पे आ जाते हैं लोग वर्कआउट कर लेते हैं आपको, और अगर आपने अपने आप को इवॉल्व नहीं किया, अपने आप को इम्प्रूव नहीं किया, तो देन आपका सर्वाइवल यू नो एज ए सक्सेसफुल बॉलर और अ बैटर वो नहीं रहेगा, क्योंकि आपके दुनिया आप पे काम कर रही होगी। और आई थिंक नवाज की बैटिंग हो या बॉलिंग हो, जैसे है वैसे ही है, बगैर बॉलिंग तो बहुत नीचे आई है। यू नो आप एटलीस्ट बेसिक्स तो अपनी राइट करें ना, तो बेसिक स्टंप टू स्टंप बॉल, लेफ्ट आर्म स्पिनर क्या करता है, स्टंप टू स्टंप बॉल करता है, जब उसको वहां से मार पड़ती है तो आप कहीं और जाते हैं। लेकिन अगर आप 6 बॉल स्टंप टू स्टंप नहीं कर सकते तो इट मींस यू आर नॉट गुड इनफ टू प्ले दैट स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट। पहला बॉल था उसके बाद से तो जितने इसमें बॉल किए हैं, ये बाहर कर दिया फिर चौका, अभी फिर ये बीच में शायद करेंगे, फिर डॉट बॉल, और फिर जब बाहर जाएंगे फिर ये भी डॉट बॉल जो विकेट में किए, फिर जो विकेट में बॉल है, देखें बैट्समैन कुछ नहीं कर रहा, फिर थोड़ा सा बाहर गए और चौका लगा। ये आई थिंक थोड़ा सा लकी रहे, इतना बुरा भी बॉल नहीं था।
This is fine. When a batsman is taking the risk, right? यहाँ पर कप्तान भी आपके साथ काम कर सकता है, कोचेज भी आपके, लेकिन अगर आप खुद गिफ्ट कर रहे हैं बॉल, तो then it's not good enough. बैटिंग में भी ऐसे है, ये नहीं कि बैटिंग कर नहीं सकते, लेकिन इतने सॉफ्ट डिसमिसल, यू नो, अगर आप नंबर 5 पे बैटिंग कर रहे हैं और आप चौका भी मार लेते हैं, दो चौके भी मार लेते हैं, और फिर आप ऐसे एक्स्ट्रा कवर पे या पॉइंट पे कैच करके दे के आ जाते हैं, तो इट्स मीन यू नॉट गुड, यू नॉट इवॉल्विंग एज अ प्लेयर. मिसबा, फील्डिंग स्टैंडर्ड्स को किस तरीके से इम्प्रूव किया? हम बात ठीक है, फर्स्ट क्लास, हर इंडिविजुअल को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, बट क्या HBL PSL के अंदर हम फील्डर्स को इंसेंटिवाइज कर सकते हैं या कोई ऐसी मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि पेनलाइज करें कि अगर आप बैड फील्डिंग करते हैं या कैच ड्रॉप करते हैं? व्हाट कैन वी डू टू काइंड ऑफ कंटेन दिस मेनेस, बिकॉज इट सीम्स लाइक इट्स स्प्रेडिंग लाइक वाइल्ड फायर. पेनलाइज करेंगे तो और ज्यादा छोड़ेंगे कैच, क्योंकि पहले ही प्रेशर ज्यादा है, और प्रेशर बढ़ेगा तो और ज्यादा कैचेस ड्रॉप. इंसेंटिवाइज कर दें कि यू नो इफ यू कैच, लेकिन ये वजह नहीं है कि इंसेंटिव नहीं है तो इस वजह से फील्डर, क्योंकि जो चीज आप में नहीं है वो नहीं है. ये आप ड्यूरिंग द टूर्नामेंट कहेंगे जी फील्डिंग आप चीता बन जाए, कोई नहीं बन सकता. वो आपको पूरा प्रोसेस है, उसके लिए आप पीछे तैयारी करके आते हैं, फिटनेस पे काम करके आते हैं, आप अपनी फील्डिंग पे काम करके आते हैं. ऐसे नहीं है कि यहाँ आएंगे कोई इंसेंटिव दे देंगे या दो चार दिन अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तो कोई अच्छा फील्डर बन जाएगा. नहीं, फील्डिंग इज द सेम लाइक बैटिंग बॉलिंग. पहले आपने अपनी फिटनेस पे काम करना है, अपनी बेसिक्स फील्डिंग के राइट करने हैं, गेंद के नीचे कब आना है, पोजिशन क्या होगी जब बॉल बल्ले में लगती है, नीचे बॉल के पहुंच के मैंने कौन सी बेस बनानी है, कैसे मैंने उस कैच को लेना है, एक एक चीज. वो कड़ियां नहीं मिलाएंगे, डॉट्स नहीं मिलाएंगे, कभी कर लेंगे कैच, कभी छोड़ देंगे, क्योंकि आपको बेसिक ही नहीं पता. इस पूरे टूर पे जो हमने न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में, एडम हॉलियक ने भी ये बात बहुत मरतबा गो के उनकी डोमेन नहीं थी, बट बिकॉज वी वॉन्टेड टू गेट बेटर एज ए टीम, तो वो भी हाईलाइट बार बार करता रहा कि यार एज ए प्लेयर वी डोंट कनेक्ट विद द ग्राउंड, वो स्टे स्टिल बाय द टाइम बैट्समैन प्लेज हिज शॉट. हम यूं वॉक कर रहे होते एकदम चटका बजता है, वी आर नॉट कनेक्टिंग विद द ग्राउंड विद योर नीज, लाइक वो जो लाइट फ्लेक्स आता है, वी आर नॉट डूइंग दैट एट द टाइम व्हेन द बॉल इज बीन प्लेड बाय द बैट्समैन. जब वो शॉट खेलता है वी आर स्टिल. जैसे आप थोड़े उसमें कनेक्टिंग टू द ग्राउंड और आप अपनी नी पोजिशन के ऊपर आते हैं, देन यू कैन मूव राइट एंड लेफ्ट. वो हमारी अनफॉर्चुनेटली हमारे तमाम प्लेयर्स की ये बेसिक्स का इशू है जो मिसबा ने बात की है, कि कोई टीका नहीं है कि टीका लगावांगे तो ठीक हो जाएंगे. एक कैच फड़न दे 1,00,000 रुपया मिल जाएगा तो मैं कैच फाड़ लूंगा, नहीं मिल रहा तो मैं छोड़ देंगे. इट डजंट वर्क लाइक दैट. इट्स अ प्राइड व्हेन यू फील्ड फॉर द टीम, इट्स अ प्राइड यू कैरी विद यू. पाकिस्तानी फील्डिंग तब इम्प्रूव हुई थी, एक फेज आया था जब स्टीव रिक्सन कोच था, तो उसने क्या डिफरेंट किया था इन योर ओपिनियन? यू वर देयर. आई पर्सनली फील लाइक द फील्डिंग, वो जो प्लेयर्स थे दे वर ऑलरेडी देयर. ओके, ठीक है. राइट मैन एट द राइट प्लेस वॉज आइडेंटिफिकेशन बाय हिम, के यार अगर अजर स्लिप में अच्छा नहीं है तो इसको स्लिप में जाने की जरूरत नहीं है. मोहम्मद हफीज अगर पॉइंट पे नहीं कर सकता तो शादाब कर ले. तो शादाब वॉज यूज टू डू ऑल द टाइम पॉइंट एरिया. मेरी जो पोजिशन है मैं उस पर अपनी स्पेशलाइजेशन के अपने ड्रिल्स करता था. हाई कैचेज है मैं उसकी ड्रिल्स करता था. मलिक है, ही इज ऑलवेज गुड विद इज रनिंग, वो कवर अच्छा करता था ग्राउंड को. तो वी लाइक गिवन दैट स्पेस टू एवरी वन कि आपका ये रोल है, यू प्ले अकॉर्डिंगली. और वो जब एज एन इंडिविजुअल आप अच्छे फील्डर हैं तो आप अच्छे फील्डर हैं. अगर आप नहीं हैं तो उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़नी है, क्योंकि जो बेसिक्स ऑफ द गेम है, जो फील्डिंग के बेसिक्स हैं, वो जब तक हम हिट नहीं करेंगे एकदम से एंड रिजल्ट नहीं आएगा. इट्स ऑल अबाउट प्रोसेस. आजकल के दौर में हम ये भी नहीं कह सकते, मिसबा सॉरी, आजकल के दौर में ये भी नहीं कह सकते कि जी ग्राउंड सख्त है, वो गुब्बार के वेस्टर्न आते हैं हमारे ग्राउंड पे वैसे ही डाइवे मारे होते हैं. एक्सक्यूज अब गया ग्राउंड गलत. हाँ, नहीं जनरली ऊपर वाला कैच है, अगर आपके हाथ में नहीं लग रहा, अगर आपकी बेसिक यहाँ पे आप देख रहे हैं गेंद यहाँ पे है, हाथ यहाँ पे है, तो ऑटोमेटिकली वो छूटेगा. तो जो राइट बेसिक्स ऑफ द गेम है कि आपने किस कितनी जल्दी बॉल के नीचे आना है, हाई कैच के ऊपर अपनी पोजीशन साइडवेज लेनी है, यहां से बॉल लेना है अपनी आंखों के सामने ऊपर से, ताकि आपका नीचे ना जाए, ग्रेविटी जो है बॉल को नीचे ना लेके जाए. लाइक ये सारी वो चीजें हैं जो आप अंडर 19 या अंडर 16 यहां से सीख के आते हैं. लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक एक डिसअपॉइंटमेंट है फ्रॉम ऑल द पाकिस्तानी प्लेयर्स इन द PSL एज ए फील्डिंग यूनिट. जो डिफरेंस था स्टीव रिक्सन के दौर में ये जरूर था कि उसने स्टैंडर्ड जो प्रैक्टिस में फील्डिंग के स्टैंडर्ड थे वो बहुत हाई सेट, छोटा भी करना है तो पूरा बहुत हाई सेट किए हैं. मुझे इतना पता है कि ये जो हम जहाँ पे टेबल पे बैठे हैं इतने के फासले पे हम खड़े होते थे, या थोड़ा सा 1 मीटर पीछे कर लें, और वो बीच में खड़ा हो जाता था और कहता था कि जोर जोर से मारो,
एंड ही यूज्ड टू जस्ट डू लाइक दैट स्लिप कैचिंग या गली की जो कैचिंग है वहां से इतने कम डिस्टेंस से वो कराता था ताकि आपका रिएक्शन टाइम इम्प्रूव हो. और जो हम हार्ड हैंड्स डालते हैं ये ड्रिल है कि हार्ड हैंड्स डालते हैं बॉल को स्लिप में वहीं हाथ रुक जाता है. नहीं, जब छोटा डिस्टेंस होगा इस तरह हम दीवार के साथ खड़े होकर टेनिस बॉल से करते हैं पीछे से कोई थ्रो मारता है आपके पास टाइम कम हो ताकि आप फिर वो जो जैसे विकेट कीपर गिव करता बॉल को सॉफ्ट हैंड तो वो ये चीजें. और वो जो हाई कैचेस भी होते थे वो प्रॉपर प्रेशर डाल के आपको ऐसे सिनेरियोज क्रिएट करता था कि मैच वाला आप पे प्रेशर हो. ये नहीं कि फील्डर को पता है कि मेरे पास गेंद आ रही है. नहीं, आपको नीचे ग्राउंड पे लिटाया हुआ है ठीक है आप गेंद देख नहीं रहे एकदम हिट मारेगा कॉल करेगा किसी का नाम नाउ यू आर अंडर प्रेशर आपके पास टाइम कम है और आप डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग दैट. तो उससे जाहिर है और फिटनेस पे भी बहुत ज्यादा काम था फिटनेस की वजह से भी और फील्डर भी अच्छे थे उस टाइम टीम में सारे जितने आए थे नए. सो दैट बेसिकली वो एक कॉम्बिनेशन था चीजों का जिसने काम किया. सेशन नहीं करने देता कि यार आए हैं और बस कर लिए. बिल्कुल, आपने एक बॉल अगर आपने ऐसा पकड़ा है कि उसको लगा है कि नहीं ये टाइम पास कर रहे हैं वो कई दफा बल्ला ऐसे फेंक होने ये चाहिए ऐसा अगर करना है तो ही वुड नॉट टेक एटीट्यूड बेसिकली जस्ट ही वाज ओल्ड ग्रम्पी मैन एज वेल. आई थिंक ही वाज राइट इन अ वे कि अगर आप सही नहीं करना चाहते देयर इज नो नीड फॉर दैट. ही वाज राइट. आई एम जस्ट सेइंग विदाउट इंटेंसिटी अगर आप कर रहे हैं तो आप वो यू आर प्रैक्टिसिंग टू फेल बेसिकली. पंजाबी में कहते हैं गोंगलों से मिट्टी झाड़ रहे हैं. गोंगलों से मिट्टी झाड़. वो जाने से पहले मैं मैसेज दे दूं वो मोइन खान आई थिंक शायद शो देख रहा है तो शो के दौरान ऑडियो मैसेज छड़ देना ताकि मैं सुन ला. तीन मैसेज जोड़े हैं ऑडियो तीन एक नहीं दो नहीं तीन. सिल्वर फॉक्स प्लीज कैसी है. ब्रेक लेता हूं मैं ब्रेक लेता हूं ताकि आप कॉल कर सकें डायरेक्टली. लेट्स टेक अ ब्रेक सो दैट मोइन खान कैन कॉल वसीम अकरम. वी सी यू ऑन द अदर साइड ऑफ द ब्रेक. कर लीजिए कॉल. हम हेलो एंड वेलकम बैक टू द पवेलियन. मैं फखर आलम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स का कंटिन्यू कवरेज ऑफ एचबीएल पीएसएल 9. एक और मुकाबला है आज आपके लिए, उसके बारे में कुछ देर बाद बात करेंगे. इस वक्त मेरे साथ पवेलियन में मौजूद आई गॉट अजहर अली, आई गॉट द ग्रेट वसीम अकरम, बट आई गॉट हफीज एंड मिसबाह हियर. हम लोग ब्रेक में जाने से पहले फील्डिंग के हवाले से बात कर रहे थे और फील्डिंग चैलेंजेस के बारे में हफीज ने कुछ चीजें बताई थी. तो आई रिक्वेस्टेड हफीज टू गिव अस अ क्विक डेमो एंड हफीज एंड मिसबाह विल गिव यू अ डेमो फॉर ऑल द यंग पीपल. ओवर टू यू गाइस. ये पहले तो ये मैं बता दूं कि एक अक्सर लोगों को एतराज रहता है कि जी मैं कोच नहीं हूं. हां मैं कोच नहीं हूं लेकिन मैंने 19 साल क्रिकेट ही खेल लिया. 19 साल क्रिकेट खेल के ये सब कुछ सीखा हुआ है तो उसी की बात कर रहा हूं. द इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द यंगस्टर इज के जो फील्डिंग है उसके अंदर एक पोजीशन होती है जब बैट्समैन अपना शॉट खेलता है उसके बैट से लगने के बाद का जो रिएक्शन है हर जो फील्डर है अगर वो स्टिफ है अगर वो कनेक्टिंग विद द ग्राउंड नहीं है तो वो रिएक्ट करेगा. उसकी जो वो जो कहते हैं ना उसका रिएक्शन टाइम लेट हो जाएगा. तो अगर फ़र्ज़ करें अगर मैं यूँ स्टिल हूँ और बैट्समैन ने खेला है जैसे मिसबाह भी मुझे फीड करेगा तो दैट इज़ नॉट द राइट वे टू डू इट. पहले मैं वो करके दिखाता हूँ एंड देन आई विल टेल यू द राइट वे टू डू इट. तो अगर आप इस तरह आ रहे हैं यूँ आ रहे हैं तो आप लेट हो गए क्योंकि आपको झटका लग रहा है देन यू मेक योर पोजिशन. तो आपकी बॉडी क्योंकि स्टिफ थी आप यूँ चल रहे हैं बॉल आया एंड देन यू गोइंग दिस वे दैट इज़ रॉन्ग वे टू डू इट. जो राइट वे है वो ये है कि आप बॉल हो जब बॉलर आया भाग रहा है जैसे उसने एक्शन के पास आया और बैट्समैन ने अपनी शॉट खेला है तो यू बेसिकली बेंड योर सेल्फ एंड यू कनेक्ट योर सेल्फ विद द ग्राउंड. जब आप अपने आप को ज़मीन के साथ कनेक्ट करते हैं आपकी ये जो नीज हैं इसमें फ्लेक्स आती है तो उससे आपकी जो मोमेंट और आपका वो जो रिएक्शन टाइम है वो जल्दी हो जाता है. तो अब फर्स्ट गेम में आ रहा हूँ एंड आई एम ऑलरेडी बेंडिंग एंड देन आई एम टेकिंग दिस बॉल वंस अगेन कि मैं आ रहा हूँ. अब ये बैट्समैन ने अगर शॉट खेलने लगा है तो माई पोजिशन शुड बी लाइक दिस. आई एम वॉकिंग इन टू द बॉल एंड देन आई एम मेकिंग माई पोजिशन रेडी एंड देन आई एम टेकिंग माई बॉल. तो एक मरतबा एक और कर देता हूँ ताकि आसानी हो जाए. थोड़ा सा तेज मिसबाह. सो यस परफेक्ट. अ लिटिल वेरिएशन मिसबाह टू द लेफ्ट और द राइट ऑफ हफीज. इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि हाउ यू बेंड योरसेल्फ बिफोर द बॉल. आप कैसे अपने आप को रेडी करते हैं एंड देन यू कनेक्ट विद द ग्राउंड एंड देन यू गो राइट या लेफ्ट. तो अगर आप स्टिफ अपनी लेग्स के साथ आएंगे तो आप लेट हो जाते हैं आप रिएक्ट करते हैं तो आपका वो जो टाइम जो बचता है वो इस पोजीशन में बचता है कि आप आ रहे हैं बॉल की तरफ बैट्समैन ने बॉल खेला यू मेक योर पोजीशन एंड देन यू गो राइट या लेफ्ट. ठीक है मिसबाह आप फीड कर दें. हियर वी गो वन मोर परफेक्ट. ये लेफ्ट है अगर आप राइट पे आ रहे हैं
ये राय. ब्यूटिफुल, थैंक यू वेरी मच, रियली अप्रिशिएट इट जेंटलमैन, दैट्स वेरी नाइस. थैंक यू फीस, थैंक यू मिसबा. उम्मीद करते हैं कि जो यंगस्टर्स हैं जो इस वक्त घर पे देख रहे होंगे, यू गेट दीज लिटिल टिप्स थ्रू आउट द पवेलियन. हमारी कोशिश होती है एक चीज जरूर पूछ सकते हैं वो, कि ये तो हम नॉर्मल सर्कल की फील्ड की बात कर रहे हैं, क्या बाउंड्री पे अगर खड़े हैं तो फिर क्या होगा? तो भाई बाउंड्री पे अगर आप खड़े हैं जहाँ मर्जी हैं, आपकी जो बेसिक पोजीशन है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी जब बॉल खेलने लगता है तो वो यही है, आपने इसी पोजीशन में और बिल्कुल आपने फोकस करना है बैट्समैन पे, उस पर बैट पे, कि जैसे ही बॉल लगे आप जैसे स्प्रिंटर एक पोजीशन में होता है ना, उसी पोजीशन में रिएक्ट फौरन करना है. एक इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमें कोचेज ने नहीं सिखाई, हमने अपने सीनियर से सीखी, दुनिया को देखा सीखी. अगर आप मिड विकेट खड़े हो बाउंड्री पे, ऑफ स्पिनर बॉलिंग कर रहा है, राइट हैंड बैटिंग कर रहा है, अगर सेट बैट्समैन है तो आप बाउंड्री से आओगे, बाउंड्री से स्टार्ट लोगे. अगर कोई नया बैट्समैन आया, पहली या दूसरी गेंद खेला है, तो आप पांच कदम अपने आप आ जाओगे ताकि आप दुक्का ना दे पाओ. बिल्कुल ये चीजें कप्तान ने नहीं बतानी आपने. उठे सोते नहीं रहना तुसी ग्राउंड विच, यस थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, थिंकिंग अहेड ऑफ द गेम, दैट्स व्हाट इट्स ऑल अबाउट. भाई समटाइम लोग जो इस बारे में बात की है, लोग ये सोचते हैं कि शायद ये जो पोजीशन है ये सिर्फ क्लोजिंग फील्डर के लिए. नहीं नहीं नहीं, ये बाउंड्री पे भी है. आप अगर बाउंड्री पे भी हैं, यू नीड टू कनेक्ट विद द ग्राउंड. आपने अपनी पोजीशन ये बनानी है कि आप क्विक रिएक्ट कर सकें, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. और ये अनफॉर्चुनेट मिसिंग पार्ट, ये मिसिंग पार्ट है. मैं इसको एक्चुअली थोड़ा सा, आई जस्ट क्विकली, वो न्यूयॉर्क वॉरियर्स के लिए जब आप खेल रहे थे मिसबा, मैं आपको देखता था लॉन्ग ऑन पे, अक्सर आप खड़े होते थे साइड पे, एंड आई यूज्ड टू सी दिस कंसिस्टेंटली दैट आप काफी ज्यादा फ्लेक्स हुए होते थे नीचे, एंड आई यूज्ड टू सी द अदर फील्डर्स देयर नॉट बॉदर्ड. Right? And that's why वो तो बुड्ढे थे ना, I can understand. नहीं, उनकी उम्र के भी थे दूसरे. मसला ये है, retired cricketers थे ना यार. अच्छा ठीक है. मसला ये है कि आपने cricket is all about power position. वो जो बात वो connecting with the ground कर रहा है, basically that's power position. कि आपकी दोनों feet पे थोड़ा सा फ्रंट साइड पे, मिडिल फ्रंट पे आपका वेट है, 40%. बिल्कुल वो फ्लेक्स है और आप रेडी हैं, रेडी टू स्प्रिंट हैं किसी भी तरफ मूव करने के लिए. और ये वो नहीं करेंगे, सिर्फ आपको फील्डिंग में नहीं चाहिए, ये आपकी बैटिंग में भी है. अगर आपके आपके दोनों नी स्टिल हैं, यूं स्टिफ हैं, तो आप बॉल के ऊपर पूरा वेट नहीं डाल सकते. तो ये जो फ्लेक्स है, ये बेसिक्स ऑफ द गेम है, ये फील्डिंग में भी चाहिए, बॉलिंग में भी चाहिए, बैटिंग में भी चाहिए. तो ये मेक श्योर करें कि ये जो कुछ हमें रिजल्ट अभी नजर आ रहा है, इसका एक प्रोसेस है जो अनफॉर्चुनेटली मिसिंग पार्ट है हमारे सिस्टम. और इसकी वजह थोड़ा सा एक या टॉपिक छिड़ा है तो इसको जरूरी है समझना, कि जैसे आप वॉक करते हैं, अगर आपने चलना है तो आप तभी अपना दूसरा पांव आगे लेके जाएंगे अगर आप एक पांव पे पूरा अपना वेट डालेंगे फिर. लेकिन स्टार्ट में वॉकिंग अगर आपको पता है कि मैंने आगे जाना है सिर्फ, तो मुझे पता है मैंने अगले पैर पे सारा वजन डाला है तो पिछला मेरा फ्री हो गया तो मैं आगे लेके जाऊँ. बैटिंग फील्डिंग, आपने सिर्फ आगे नहीं जाना, आपने किसी भी तरफ मूव करना, किसी भी डायरेक्शन में जाना. दोनों पाँव पे आपका वजन इतना हो कि मैं जिसको मर्जी फ्री कर सकूं, मूव करने के लिए कर सकूं. एक पे ज्यादा वेट हो गया तो वो पाँव तो नहीं हिलेगा. और अगर आपको वो फ्रंट वाले पे आपने वेट डाल दिया और उसको आगे लेके जाना, यू आर स्टक. सबसे ज्यादा वरिंग साइन है ना कि जो नए लड़के आ रहे हैं उनमें गेम अवेयरनेस इतनी कम है, उनको सही जगह खड़े होने का नहीं पता. ठीक है, स्पेशली फास्ट बॉलर, इवन बैट्समैन भी, कि उनको पता नहीं है कि यार ऑफ स्पिनर लगा है, स्पिन विकेट पे मैंने किधर खड़े होना है, शॉर्ट मिड विकेट पे या यू नो बट शॉर्ट पोजीशन जो भी है, ठीक है जो भी, और उनको ये राइट जगह पता नहीं है. फिर उसके बाद वही बात वसीम भाई वाली, कि कभी जाके रस्से के साथ खड़े हो जाएंगे, बाउंड्री को आराम से धुका दे देंगे, कभी एकदम जहाँ छोटी बाउंड्री पे आगे खड़े होंगे वहाँ ऊपर से बॉल निकल जाएगा. तो लॉट टू डू विद अवेयरनेस फील्डिंग में. खाली यू हैव टू थिंक लाइक अ स्किपर. Everyone is a captain. जब आप कैप्टन की तरह सोचते हैं, आपको पता है कि यार कौन सी फील्ड किधर खड़ी होती है. हमने कितनी दफा देखा है यहाँ पे कि आप फास्ट बॉलर प्रीमियर 140 पे बॉल करने वाला बॉल कर रहे हैं एंड यू आर एट शॉर्ट थर्ड मैन एंड फाइन लेग और आगे आए हुए हो, पांच कदम आप अंदर खड़े हो. बिल्कुल, और एंड के ओवर लगे हैं उधर. इसका प्रॉब्लम को पता नहीं है, प्रॉब्लम उनको पता नहीं है, वो ये सीख कह रहे हैं. वही मैं कह रहा हूँ, आपकी 99% मैं तो इतना इस पे एंटीसिपेशन है बिल्डिंग. बात की बात जो है ना, बाकी फॉर इंस्टेंस जैसे अजहर ने बताया कि ऑफ स्पिनर अगर बॉलिंग कर रहा है राइट हैंड को, मिसबा फॉर इंस्टेंस बैटिंग करने, अगर टर्निंग विकेट है, अगर मैं मिड विकेट पे हूँ, मैं थोड़ा अंदर आऊंगा बिकॉज टर्न होके बॉल ने अंदर जाना है.
अगर सीधी विकेट है तो मैं थोड़ा सीधा रहूंगा, बिकॉज उसने सीधा मिड डाउन की तरफ खेलना है। अब ये चीजें तुम्हें कोच ने नहीं बतानी, ये तुमने खुद असेस करनी है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। बिल्कुल, और इसके अंदर ये फास्ट बॉलर जैसे खड़े हैं, फास्ट बॉलर, मैंने एक अपना वाक्य शेयर करता हूँ, फास्ट बॉलर खड़ा है स्केयर लेग पे, नॉर्मल स्केयर लेग जो खड़ी होती है, अंपायर के साथ खड़ा हुआ, पुराना बॉल है। मैंने उसको सवाल पूछा, मैं कहा तू बॉलिंग कर रहा हो तो स्केयर लेग किधर खड़ी होगी? कहता है यहाँ पे। तो मैं कहा तू किधर खड़की कर रहे हैं? हाँ ये गल ठीक है, मैं तो सोचा ही नहीं। मतलब कि फील्डिंग में आपका दिमाग बंद हो जाता है। स्लिप पर गार्ड तो लगा, लेकिन मैंने यह नहीं समझ आ रहा रखा कितने। All right, folks, we've got another game here at the HBL PSL 9. Firstly, gentlemen, thank you very much. Those are very important and very valuable tips from your side. There are a lot of young people who are watching for them. And let's take a look at today. Today, the match is coming to HBL PSL 9 from Rawalpindi. It's your service at 7 o'clock. And this is Islamabad United, which will be home match versus Peshawar Zalmi. Now, remember that Peshawar Zalmi is now in momentum and Islamabad United is now looking to get some extra points. They desperately need match number 20. Islamabad United versus Peshawar Zalmi. ये मैच है इन स्टोर और आइए इसके साथ ही देखते हैं हेड टू हेड। राय जनाब, ये रहा आपका हेड टू हेड बिटवीन दीज टू टीम्स। इन्होंने टोटल 22 मैचेस खेले हैं आपस में और पीएसएल की तारीख में पेशावर ने 12 जीते हैं, इस्लामाबाद ने 10 जीते हैं। और रिसेंटली इनके जो दो मैचेस हुए हैं रावलपिंडी में, उसमें दोनों के दोनों पेशावर जीती है। इस्लामाबाद यूनाइटेड का पिंडी के अंदर कोई ज्यादा खास अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। एंड दैट्स योर हेड टू हेड। राय जनाब, वसीम, एक तो पेशावर जर्मी बड़े गैप के बाद मैच, ऑलमोस्ट एक हफ्ते के बाद खेल रहे हैं, उनका पिछला वॉश आउट हो गया था मैच। हाउ डू यू गेयर अप अगेन, बिकॉज यू हैव बीन यू नो इन इंटेंस कंपटीशन एंड देन यू हैव 5-6 डेज ऑफ एंड देन ऑल ऑफ अ सडन दे हैव एवरी राइट टू बी गेयर्ड अप पेशावर टीम, बिकॉज सो इज इस्लामाबाद। उनके लिए डू और डाई मैच है, बिल्कुल ऐसे ही। और आई थिंक उनका जो ग्राफ नीचे गया, जो इनका पहला मैच हुआ था पेशावर वर्सेज इस्लामाबाद, जहाँ पेशावर ने 201 किया था और बाबर ने आई थिंक उसमें शायद 100 भी किया था, बड़ा जबरदस्त किया था। और ये चेस कर रहे थे, दे वर 181 for 3 एंड दे वर ऑल दे वर 8 down के 9 down for 193। तो उससे बड़ा 2 ओवरों में 20 चाहिए था। हाँ, उससे बड़ा कॉन्फिडेंस को शेक मिला होगा। और जो दो मैच जीते हैं वो भी जो बॉटम की टीम है, ये उनसे जीते हैं टेबल में, कराची एंड लाहौर से। पेशावर अच्छी टीमों से मैच जीते हैं, 3 के 3 जीते हैं, सो उनका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा। इट बी अ वेरी एक्साइटिंग गेम, नो डाउट। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच दिस पर्टिकुलर गेम। What should we be expecting from the Pindi wicket Hafiz and the ground? Personally, I would like to see some bounce, to be honest, क्योंकि इस्लामाबाद इन दिनों में थोड़ा सा प्लेजेंट होता है, थोड़ा ठंड भी थोड़ी सी उसमें आती है और थोड़ा ग्रास, क्योंकि नॉर्मली वहाँ पर अगर टिंज ऑफ ग्रास मौजूद हो तो बाउंस अच्छा मिलता है, कैरी अच्छा मिलता है। तो वुड लाइक टू सी दैट कि वो फास्ट बॉलर ओरिएंटेड पिच बने जहाँ पे थोड़ा बाउंस अच्छा है, थोड़ा लेटरल मूवमेंट बीच में देखने को मिलनी चाहिए। और वही बात है, अगर यहाँ का वाला जो बंदा जो यहाँ पे पीछे लुक आफ्टर कर रहा है वो वहाँ पे नहीं गया ये जरा वेन्यू स्टैट्स के ऊपर नजर डाल लेते हैं। वेन्यू के स्टैट्स के हवाले से भी थोड़ा सा हमें हिस्ट्री पता चल जाती है वेन्यू की। ये जनाब वेन्यू स्टैट्स हैं। दिस इज ये 19वां मैच है पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पीएसएल का। पिछले साल 11 मैचेस यहाँ पे खेले गए थे, 11 मैचेस जो पिंडी में हुए थे पिछले साल, देवर 6 totals of 240 plus 6 totals, that's incredible, including 2 successful chases. Wow, that's just really good. The average first innings, जिस तरह के वसीम ने आपको पहले भी बताया, 209 है और 6 out of 11 matches last year were won by the chasing teams. So, but that's 50-50, 6-11, 5-6. और एक चीज पहले predict कर दूँ आपको, फिर इस ground के अंदर बहुत ज़्यादा catches छूटते नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि ये जितने हमने डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स यहाँ पे खेले हैं, मोस्ट कंप्लेंट्स इन लाइट्स की आती है, क्योंकि ये इनके पोल बहुत छोटे हैं और आपकी आपका जो जैसे बॉल ऊपर जाता है तो या तो लाइट में फंस जाता है या वो इतना ऊपर जाके वेब नीचे आता है तो आपको उसकी साइड का मसला है। यू मिस आउट ऑन द बॉल। हाउ गुड हैज द बाबर आजम साइम यू पेयर बीन फॉर पेशावर जलमी अजहर? इनके स्टैट्स तो यू नो इनक्रेडिबल हैं, अनबिलीवेबल स्टैट्स हैं। इन T20 फॉर्मेट टू बी दैट मच कंसिस्टेंट इज अमेजिंग। और यू नो दोनों का एक तो अच्छा कंपनसेट करते हैं एक दूसरे को। बाबर अब नॉर्मल क्रिकेट खेलते हैं, नॉर्मल शॉट्स खेलते हैं और जो साइम है वो अटैक करते हैं बॉलिंग के ऊपर। या लेफ्ट एंड राइट का भी फ़ायदा होता है उनको। और दोनों टेक्निकली अच्छे हैं कि ऐसे दरल्ला नहीं है बस घुमा दिया शॉट फॉर नो रीज़न। तो प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेलते हैं, अच्छे पिच का मैक्सिमम यूटिलाइज करते हैं। कई प्लेयर्स होते हैं कि जो अच्छा पिच मिल भी जाए तो उसको मैक्सिमाइज़ नहीं करते अपने स्कोर्स को। ये बड़े रन कर रहे हैं 80, 90, 100, सो दैट इज़ वेयर आई थिंक दे विन गेम्स फॉर जलमी। तो आई लुक फॉरवर्ड टू प्ले पिंडी के पिच, प्रॉमिस टू बी अनदर गुड बैटिंग ट्रैक। यू नो आपने स्टैट्स देख ही लिए हैं तो यू नो
जल्मी सूट करती है इनको, ऐसे प्लेयर्स को जो टाइमर ऑफ द बॉल है, ऐसी पिच जहाँ पे अच्छा बाउंस अच्छी पेस होगी। बाबर लव टू बेसिकली बैट ऑन दिस पिच। उसके स्टैट्स भी हैं, 100 भी उसने दो किए हुए हैं और एवरेज भी उसकी मेरा 60 की है। वो क्योंकि आप बिल्कुल देख सकते हैं साउथ अफ्रीका में जैसे बाबर गया था वहाँ पे जहाँ बाउंस था, पेस थी, अच्छा गेंद आता था, वहाँ पे वो टेक्निकल शॉट्स खेलता है, बैक फुट पे इक्वली स्ट्रॉन्ग है, पुल शॉट अच्छी है उसकी। तो आई थिंक कि पेस बाउंस जहाँ भी होगा दोनों, इवन सैम भी, वो उस पेस को बेसिकली दे डोंट फाइट अगेंस्ट द पेस, जैसे ज़ोर से मारने जाते हैं हमारे, नहीं वो टाइम करते हैं, वो उसको अपनी फेवर में यूज़ करते हैं उस पेस को। तो आई थिंक पेशावर को ये एक एडवांटेज है यहाँ पे इन दोनों का, स्पेशली अगर इनकी पार्टनरशिप लगी तो बहुत ही डेंजरस हो सकता है। अभी तक 375 प्लस रन की पार्टनरशिप है इन दोनों की। सो आई थिंक इस्लामाबाद के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाबर को या इसको जल्दी आउट शुरू में आउट करना बड़ा जरूरी है, या उठना होगा। बाबर आजम लाइक्स टू बैट अगेंस्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड एज वेल, या ही हैज दिस, ये जरा स्टैट आपकी स्क्रीन पे लेकर आते हैं, ये है बाबर आजम, ही रियली लाइक्स टू बैट अगेंस्ट, लुक एट दैट राइट ऑन टॉप इज इस्लामाबाद यूनाइटेड 18। बाबर आजम ने 18 इनिंग्स खेली इनके खिलाफ, 753 रन्स एट 53.78 एंड अ वेरी डिसेंट स्ट्राइक रेट ऑफ 132.33। उसका रैकेट देखो, इवन सबसे जो लोएस्ट उसकी एवरेज है वो 36 की, दैट अगेंस्ट क्वेटा 35.87 एवरेज in T20 cricket, is phenomenal. It is. It's like about 50 in test cricket or one day cricket. यो इस बात को भी आपको प्रूव करता है कि क्योंकि क्वेटा का जो बॉलिंग अटैक था वो हमेशा से स्पिन बहुत ज्यादा होती थी, तो बाबर जहाँ पे फास्ट बॉलिंग, इस्लामाबाद के पास नॉर्मली फास्ट बॉलिंग अटैक, नॉर्मली 4 फास्ट बॉलर्स से खेलते हैं, तो जो भी टीम फास्ट बॉलर्स के साथ, हमेशा बाबर का रिकॉर्ड आप देखेंगे, स्ट्राइक रेट, एवरेज, दोनों चीज़ें बेहतर होंगी। या इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ रावलपिंडी में भी इनका बड़ा जबरदस्त रिकॉर्ड है, ये भी स्टैट आपकी स्क्रीन के ऊपर लेकर आते हैं। ही लाइक्स टू प्ले इन दिस ग्राउंड एज वेल। इन्होंने 1340 रन किए हुए 29 इनिंग्स के अंदर यहाँ पर, एट एन एवरेज ऑफ 60.90, 138.42 स्ट्राइक रेट, 2 सेंचुरी, जैसा वसीम ने आपको अभी पहले बताया कि 2 सेंचुरीज इन्होंने यहाँ पे गाड़ी हुई है। सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट। बट देन द क्वेश्चन इज, वसीम, एंड आई ब्रिंग दिस टू यू, व्हाट डज इस्लामाबाद यूनाइटेड बॉलर्स अप फ्रंट डू इन द पावर प्ले to neutralize the threat of Babar Azam? Look, he's a class player. Kya kar sakte hain? Koshish kar sakte hain? I suppose they have to go for a kill early on, going for wickets, have a slip cordon, just take chance. That do teen boundary lag jaye. Agar aap timid approach ke saath jaoge, Babar is in tremendous form, is looking good, and we've seen Pindi's pitch. It's so far it's one of the best pitches in Pakistan to bat on. So Sam Ayoob is equally dangerous on that pitch because ek dusre ko ye wo karte hain, compliment karte hain, ek cricketing shots khelta hai, ek one orthodox, idhar bhi ja proper cricketing shot bhi khelta hai, so isliye tang kar rahe hain sare bowlers ko. I think Naseem Shah aaj impact, Naseem Shah ka impact wait kar raha hoga Islamabad ke, kahin wo jo early wickets hain wo badi zaruri hain, dono mein se agar kisi ek ko bhi out karte hain तो वो जो नया बंदा आएगा फौरन अंदर, जो उनको आदत नहीं है, क्योंकि उनको आदत पड़ी हुई है कि ये 70-80 की बिल्कुल ये 6 ओवर करके निकलते हैं सारे के, कहीं ना कहीं थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा उन पे। आई थिंक नसीम शाह पेशावर का अगर देखा जाए, टैलेंटेड लड़के हैं, हसीबुल्ला भी जो पिछले मैच में खेला है, हारिस भी, एंड देन रोमन पावल हु इज इन ग्रेट निक, बेस्ट फिनिशर्स इन T20 फॉर्मेट इन वर्ल्ड क्रिकेट, और उसकी फिनिशेस देख लें, 182 का स्ट्राइक रेट है अभी तक PSL में, सो दे आर ओके देयर, बट अगर ऊपर से गिर जाते जैसे कह रहे हैं तो डिफरेंट माइंड सेट होगा हारिस का भी और हसीबुल्ला का भी। बाबर जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है इनके लिए, क्योंकि जो इनकी उसके अराउंड बैटिंग है, बाबर एक ग्लू का काम करता है उनकी बैटिंग लाइनअप, वो एक तरफ से खड़ा है, खेलता है टेक्निकल शॉट्स खेलता रहता है, दूसरी तरफ से फ्रीडम होती है जो भी प्लेयर हैं बाकी स्ट्रोक मेकर्स हैं। तो आई थिंक बाबर की विकेट, इस्लामाबाद शुड बी जस्ट लुकिंग के यार हम अर्ली उसको आउट करें। वसीम, एज वन ऑफ द प्रीमियम फास्ट बॉलर्स, वन ऑफ द बेस्ट इन वर्ल्ड क्रिकेट लेफ्ट हैंड बॉलर्स, हाउ वुड यू एडजस्ट टू अ लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन? And you've had quite a few of them, I did. So how would you adjust? What would be the approach to it? I think शुरू में मुश्किल होती है as a youngster, as a newcomer. Right. But once you get the hang of it, it's not that difficult. Depends on the pitch as well.
आई मीन मुझे तो लेफ्ट आर्म को दो राइट आर्म को प्रॉब्लम इतनी नहीं थी होती, बिकॉज शुरू में भी नहीं हुई, वैसे भी नहीं हुई, बट मोस्टली बोलर्स को होती ज़रूर है, स्पेशली इस छोटे फॉर्मेट में. मैं इस फॉर्मेट में 4 से 5 मैच खेला हूँ मेरा ख्याल है. जब ये स्टार्ट हुआ था मैंने तो बड़ा इन्जॉय किया था T20 में. हैम्पशायर से 4 मैच के 5 मैच खेला था शायद, राइट. और बैटिंग एट नंबर 5 नंबर 6 जिसको वैक द बॉल बोल 2 ओवर्स विद द न्यू बॉल और 2 आखिरी 16वां या 18वां या 20वां. अभी तक जो सैम अयूब आई थिंक नॉर्मली टीम्स फाइन लेग ऊपर रखती हैं, स्क्वायर लेग भी नॉर्मल रखती हैं, लेकिन न्यूजीलैंड ने वर्कआउट किया था इस चीज़ को. अब इनिशियली फाइन लेग और जो आपका स्क्वायर लेग है दोनों पीछे रख के अगर उसको आगे से अंदर गेंद होगा या थोड़ा सा पेस आप कम करेंगे लेंथ बॉल इन टू द बॉडी, तो वो स्क्वायर लेग का फील्डर बड़ा इंपॉर्टेंट है. वो नॉर्मल पोजीशन में नहीं है, वो थोड़ा सा अंपायर से अंदर होता है तो वहाँ पे इनका चांस होता है अर्ली ऑन लेग बिफोर कभी. तो वो टीम्स अभी तक यहाँ पे उस तरीके से प्लान नहीं कर रही, पेस देते हैं वहाँ पे जहाँ वो आराम से फाइन लेग के ऊपर से और स्क्वायर लेग पे पिकअप शॉट मारता है, तो आउट करने का सोचना पड़ेगा इनको. और राइट, चेंजिंग द सब्जेक्ट, सॉरी, यू गोइंग टू ब्रेक? यस सर, ओके ओके, आई कैन चेंज द सब्जेक्ट, कम बैक. ओके, ऑलराइट, वी आर गोना टेक अ ब्रेक सो दैट वी कैन चेंज द सब्जेक्ट आफ्टर द ब्रेक. सो स्टे विद अस, यू आर वाचिंग द HVLPSL 9 ऑन A Sports. सी यू ऑन द अदर साइड. वेलकम बैक टू द पवेलियन. मैं फखर आलम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स, आर कंटिन्यूड कवरेज ऑफ द HVLPSL सीजन 9. आज एक और बड़ा मुकाबला है, रावलपिंडी से बराह रास्त आपकी खिदमत में लेकर आ रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड बा मुकाबला पिशावर जलमी. हम लोग मैच के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे. विद मी इन द पवेलियन आई हैव गॉट 4 फैंटास्टिक जेंटलमैन, 4 फैंटास्टिक प्लेयर्स हु हैव सर्व्ड पाकिस्तान एंड क्रिकेट वेरी वेल. आई हैव गॉट अजहर अली, आई हैव गॉट मोहम्मद हफीज, आई हैव गॉट मिसबाह उल हक एंड द ग्रेट वसीम अकरम. हम लोग ब्रेक पे जाने से पहले बाबर आजम की बात कर रहे थे, आप सैम अयूब की बात कर रहे थे कि उनके लिए स्क्वायर लेग और फाइन लेग अगर ऑन द लाइन रखा जाए और स्लोर वन इनटू द बॉडी किया जाए, व्हाट द न्यूजीलैंड टीम वाज डूइंग अगेंस्ट हिम एक्चुअली वर्क्स. बिल्कुल, तेज भी अगर आपने अंदर उसको बॉल लाना है या लेंथ बॉल, क्योंकि वो बहुत पक्की शॉट है उसकी, और अगर फाइन लेग आप ऊपर रखते हैं तो देन वो खेलेगा ही खेलेगा. पिछले मैच में भी देख लें, मिल्स को जैसे उन्होंने आते ही शॉट वो 2 खेले हैं, उसके बाद कोई समझ नहीं आया इस्लामाबाद को. तो आप क्यों ऐसे बैट्समैन को उसके फेवरेट एरिया में आप क्यों नहीं फील्ड सेट करते? थर्ड मैन तो तभी जाएगा जब आपने बाहर बॉल करनी है, तो थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा टीमों को और अनकन्वेंशनल फील्ड सेट करनी पड़ेगी अगर ऐसे प्लेयर को आउट करना. अजहर, चले एक तरफ तो बाबर आजम और सैम अयूब, दूसरी तरफ कॉलिन मनरो और एलेक्स हेल्स भी तो हैं. इतना हल्का ना लें हम दूसरी साइड को, वो भी, और वो कॉलिन मनरो इज कमिंग टू ग्रेट फॉर्म. या लास्ट 2 मैचेस में इवन एलेक्स हेल्स भी लुक्ड, यू नो, जो उनकी फॉर्म है वो वापस आती नज़र आ रही है, क्योंकि कॉलिन मनरो की सही तरह ऐसा लग रहा है वापस आ गई है. यहाँ की पिच उनको सूट भी करती है क्योंकि दोनों जो है वो स्क्वायर ऑफ द विकेट बहुत अच्छा खेलते हैं. तो आई थिंक ये देखना पड़ेगा बॉलर्स, अब इसमें इस पिच पे टेस्ट होगा बॉलर्स का स्पेशली. और अब जहाँ तक देखा गया है अराउंड पिंडी स्टेडियम जितने भी मैचेस होते हैं वहाँ स्क्वायर ऑफ द विकेट बहुत स्कोर होता है, और बॉलर शायद जब स्कोर होना शुरू होता है थोड़ा सा बैकफुट पे चले जाते हैं, लेंथ पीछे खींच लेते हैं. आई थिंक यहाँ पर बॉल आगे करने पड़ेंगे, यू नो, विकेट आपको आगे से ही मिलेगी यहाँ पर, क्योंकि पीछे से बॉल फ्लाई करता है, टॉप एज भी लगता है तो बाउंड्रीज छोटी हैं, कैरी कर जाता है ऑल द वे. आई थिंक फॉर्म इनकी ज़बरदस्त है, और ये जान इस्लामाबाद की स्ट्रेंथ भी यही है कि टॉप ऑर्डर अटैकिंग क्रिकेट खेलता है, और स्पेशली चेजिंग में ये बहुत ज़्यादा तगड़ी क्रिकेट खेलते हैं. या चेजिंग इज, एंड वी सॉ दैट 6 out of the 11 games 6 टीमें चेज करके जो है यहाँ पर जो है वो मैच जीती हैं. हफीज, ये तो चले कॉलिन मनरो और एलेक्स हेल्स तो हैं ही हैं, बट लेट्स नॉट फॉरगेट वी गॉट द फैंटास्टिक एंड इन फॉर्म आजम खान इन द मिडल ऑर्डर फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड. सो अगर ऊपर से थोड़ा सा फॉल्टर कर भी जाए तो देर इज दैट बिग पावर हाउस डाउन द ऑर्डर फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड. एक मैच में बहुत अच्छा खेले, लेकिन अगर इन फॉर्म अगर आप बात करें तो वो सलमान आगा वो कंसिस्टेंट हु इज डूइंग वेल. आजम ने अभी ये जो इनिंग्स खेली है यहाँ से उनकी फॉर्म जरूर वापस आई होगी. एक देखिए, बैटिंग में जब आप स्कोर करते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, ना वो नेट में मिल सकता है ना वो डग आउट में मिल सकता है. एज यू गो इनसाइड यू स्पेंड सम टाइम, यू स्टार्ट फीलिंग दैट यू हिटिंग द बॉल वेल. जो भी आपकी पोजीशन बन रही है अगर वहाँ पे बॉल का आप सही एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आपकी आपकी जो वर्किंग जोन है वो वापस आ रहा है एज ए बैट्समैन. तो आई थिंक ही गॉट दैट मोमेंटम वो जो उनको चाहिए था. ऑब्वियसली ही लव्स टू हिट द बॉल एवरीवेयर, लेकिन जब भी आप स्कोर करते हैं तो कॉन्फिडेंस आता है. पिछले मैच में बारी नहीं इनकी आई थी इस इनिंग्स के बाद,
लेकिन ही वुड लाइक टू गो आउट देयर एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि ये पिच ऐसा है जहाँ पे पावर हिटर की जो शॉट है वो जाती बारों बार ही है। उसकी वजह ये है कि अल्टीट्यूड और प्लस छोटे ग्राउंड होने की वजह से इस किस्म के बैट्समैन जो है वो ज्यादा उनको वो हैंडी हो जाते हैं, क्योंकि उनकी आधी हिट भी जो है वो बाहर चले जाए। और अच्छी चीज ये है कि आजम ने जो जैसे हम कहते हैं ना कि थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट बाकी प्लेयरों ने किया है, तो इन्होंने भी अब ये फास्ट बॉलर के अगेंस्ट पेस को यूज करते हैं। आपने देखा शॉर्ट्स के थोड़ा सा नीचे होके पॉइंट के ऊपर से थर्ड मैन के ऊपर से, और इसी तरह थोड़ा उस तरफ को जाके स्क्वायर ऑफ द विकेट भी जो लेग साइड पे भी शॉटें खेलते हैं। तो वो पहले सिर्फ ये था कि ज़ोर से हिट मारने जाते थे सामने, अब वो जो नॉर्मल पेस को यूज़ करते हैं अपनी फेवर में, वो भी इन्होंने बहुत अच्छे शॉट खेलने शुरू किए हैं। और इज़ एन इम्पैक्ट प्लेयर, डेंजरस प्लेयर है वो, अगर 25-30 बॉलें भी खेलेगा तो दूसरी टीम जो है वो फिर खतरे में ही है। Yep, and then what you just brought up, Hafiz, Agha Salman, Wasim has been just fantastic. Two half centuries already, and I think we clearly see potentially a very strong middle order batsman for Pakistan. And very healthy strike rate. Yes, almost over 150 ka strike rate hai. Almost 200 runs hai, 12 kam rehte hai. Wicket koi nahi mili, but bowling bhi theek hi kiya isne. But yeah, so ye another player Pakistan ko ek mil gaya jo ki T20 format mein Pakistan ke liye khel sakta hai. Can give you a couple of overs if you want. Against left-handers, and then obviously he can whack the ball as well with a proper technique. Yeah. He's not a dhada jise hum kehte hain ki aake ji aankhein band karke mari jao. He's not. He's a proper batter who got runs. Abhi test cricket mein bhi usne 50 kiya hai wahan pe Melbourne mein, if I remember correctly. Yeah. So he's a good player, good find from that Australian tour. Aur spin ko bhi acha khelte hain. That's looking into T20 World Cup. Yeah. Spin ko jo players zyada acha khelte hain. Spin to kaam aayegi West Indies ki wicketon pe. Ab pata nahi drop in pitches kaisi hoti hain America mein. स्पेशली जो पाकिस्तान का मैच है, वही फर्क है ना कि एक तो ये है कि आप एवरी टाइम यू टेक ऑन द फील्डर, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, मिड विकेट लॉन्ग डीप मिड विकेट खड़ी है और आप चांस ले रहे हैं हर बॉल पे। एक इस तरह के प्लेयर हैं कि जो उन एरियाज में शॉट खेलने जाते हैं कि अगर ठीक है वहाँ गैप हो, एक्स्ट्रा कवर मारते हैं या पॉइंट के ऊपर से मारते हैं, इवन स्क्वायर ऑफ द विकेट भी अगर खेलते हैं, फाइन लेग अंदर है तो वो फाइन लेग और स्क्वायर लेग के बीच में खेलते हैं शॉट, इसी तरह वाइड मिड विकेट और मिड ऑन के बीच में। तो ऐसे प्लेयर्स के लिए गेम अवेयरनेस भी जाहिर है, टेस्ट क्रिकेट और लंबी क्रिकेट वो खेला हुआ है, तो उनके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। वो कंसिस्टेंट होंगे और टीम के लिए एवरी टाइम दे गो इन, आपको एक होगा कि यार ही विल डू दिस, श्योरिटी होगी कुछ। और ऐसे प्लेयर मेरे ख्याल में 4 या 5 पे ऐसा प्लेयर आपको चाहिए पाकिस्तान टीम। या डू यू थिंक हफीज विल बी अ ग्रेट 4-5 फॉर पाकिस्तान, स्पेशली दिस वर्ल्ड कप? देखें पोटेंशियली तो ही स्कोरिंग रन्स, और जब आप रन्स कर रहे हों, फॉर्म में हों, तो आपको कंसिडर करना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर टीम के साथ जाएं, मैं ये नहीं कह रहा कि फर्स्ट चॉइस हैं, बट ही कुड बी द वन हु कैन हैंडल दैट नंबर 5 नंबर 6 पोजीशन, क्योंकि इफ्तिखार आपके पास मौजूद हैं। अभी भी 6 नंबर के ऊपर, 6ठे नंबर पे आपकी बैटिंग में आजम के अलावा आपको कोई दूसरी ऑप्शन समझ नहीं आ रही, क्योंकि कोई खेल ही नहीं रहा, कोई नहीं खेल रहा, क्योंकि एक आसिफ है और एक खुशदिल है, वो ऑलरेडी टेस्टेड हैं, बहुत सी मर्तबा उनको मौके मिले नहीं कर सके डिलीवर। तो अब आपने देखना ये है कि जो तमाम आपको लॉट मिल रही है, जो 5 या 6 पे खेल सकती है, उसमें एक आगा समझ में आता है मुझे, और एक ऑब्वियसली एज ए विकेट कीपर बैट्समैन आजम समझ में आएगा। उसके अलावा कोई खेल ही नहीं रहा, कोई खेलना चाहते ही नहीं है। टॉप ऑर्डर को जब आप नीचे लेके जाएंगे तो वो मुश्किल है, कि पहले ऑलरेडी वी नो दैट कि एक बंदा ओपनर है, पहले 4 ओपनरों को आपने नंबर 3 नंबर 4 यहाँ पे अजाब पड़ गया था कि जी वो आपने ओपनिंग पेयर को बदल दिया। अरे भाई वो ज़रूरत है पाकिस्तान टीम की, वो 2 बंदे पूरे पाकिस्तान की टीम तो नहीं है। तो साइम वी ऑल एग्रीड दैट ही इज एक्साइटिंग टैलेंट और उसको खेलना चाहिए। अब उसको मैं 5 पे खिलाऊं, डू यू थिंक दैट इज द राइट वे टू मूव ऑन? नो, दिस इज नॉट। बाबर आजम पिछले 6 साल से 7 साल से नंबर 1 प्लेयर भी है, 12-13 हज़ार उसके इंटरनेशनल रन्स भी हैं, नंबर 3 पे वनडे क्रिकेट में पिछले 6 साल 7 साल से वो खेल भी रहा है। और अभी उसका स्ट्राइक रेट देखेंगे तो उसके स्टैट्स निकाल के देख रहे हैं, 6 ओवर के बाद रोटेशन ऑफ स्ट्राइक उसका मसला ही नहीं है, क्योंकि वो टेक्निकली बहुत सॉलिड है। देन वी थॉट के वाई नॉट के एक साइम अयूब जो कि एक्साइटिंग टैलेंट है उसको ओपनर खिलाया जाए। तो आई थिंक द फर्स्ट 4 नंबर्स आर सॉर्टेड टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिसमें साइम, रिजवान, बाबर और फखर शुड बी देयर। 5 और 6 के ऊपर आपके पास इफ्तिखार और आजम हैं, और आई थिंक द प्लेयर लाइक सलमान आगा कैन ऐड अ लॉट ऑफ वैल्यू, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ की पिच पे वो प्लेयर कामयाब होगा
जिसमें हिटिंग पावर हो, या वो जो गैप्स वाली बात कर रहे हैं कि वो गैप्स में खेलने वाली उसके, क्योंकि वहां पे टर्न मिलेगा आपको, एंड ही इज अ हैंडी फील्डर एंड आल्सो हैंडी ऑफ स्पिन बॉलर. बट देन दैट टर्न टेक्स मी टू अ क्विक क्वेश्चन टू यू मिसबा. वी सॉ ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप, यही पवेलियन में हमने बल्कि इसके ऊपर बात भी की कि इफ्तिखार हैज अ प्रॉब्लम रीडिंग रिस्ट स्पिनर्स. कुलदीप यादव के अगेंस्ट उन्होंने बड़ा स्ट्रगल किया, दूसरे स्पिनर्स के अगेंस्ट बड़ा स्ट्रगल किया, बिकॉज ही कांट रियली टेल व्हिच वे इट्स गोइंग टू गो एंड ही गोज फॉर इट. एंड इफ द विकेट्स इन द कैरिबियन आर गोइंग टू टर्न व्हिच दे आर, व्हाट डू यू थिंक? देखिए, इफ्तिखार का जो रोल अभी मुल्तान सुल्तान में भी आप देख रहे हैं, आई थिंक दैट इज द बेस्ट टाइम. आखिरी चार ओवर, तीन ओवर, क्योंकि वहाँ पे आपके पास और कोई ऐसा बंदा नहीं है. आपको पाँच पे या चार पे नज़र आ रहे हैं बैट्समैन जो आपके पास हैं, आज़म है या आगा सलमान है या फ़खर है, तो वो आप उनको उसी रोल में रखें. नॉर्मली सीमर्स विल बॉल एट दैट स्टेज, आखिरी तीन चार ओवर, और हमारे पास कोई भी ऐसा कंसिस्टेंट बैटर नहीं है उस टाइम पे कि जो जाके इम्पैक्ट डाले जैसे इफ्तिखार डाल रहे हैं. तो आई थिंक ही शुड बी देयर. स्पिन ठीक है, उस वक्त तक उसके पास टाइम है. मुझे नहीं लगता कि सतारहवें ओवर में या सोलहवें ओवर में मोस्टली कोई भी टीम स्पिन उस टाइम पे कराएगी, और अगर कराएगी तो आपके हैंडल करना. समझता हूं कि थोड़ा जो शादाब है उसको अपने बैटिंग ऑर्डर का एक नंबर ज़रूर सेट करना चाहिए. आई एम नॉट सेइंग दैट ही शुड नॉट बी फ्लेक्सिबल, लेकिन एक नंबर होता है कि यार मैं नंबर चार या पाँच के ऊपर ही अपने लिए मैं सोचता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान को अगर शादाब एज ए मिडिल ऑर्डर बैट्समैन परफॉर्म करते हैं और खेलते हैं, ही विल ऐड अ लॉट ऑफ वैल्यू एज ए बैट्समैन हु कैन बॉल, नॉट एज ए बॉलर हु कैन बैट. ओके, फेयर इनफ. लेकिन एज अ फ्लोटर जो कॉन्सेप्ट था इसका शादाब का, कि जब भी इन बिटवीन आपको सिचुएशन ऐसी आती है, जैसे आप कह रहे हैं कि जी इफ्तिखार अगर ऐसा कोई बॉलर तो मिस्ट्री स्पिनर है या लेग स्पिनर है या इवन लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर है, तो शादाब इज़ वेरी गुड अगेंस्ट देम. आप नंबर ऑफ ओवर्स अगर ज़्यादा हैं तो वो कहीं पे भी जा सकता है, चौथे पे जा सकता है, पांचवें पे जा सकता है. आप स्ट्रेटजिकली वो मूव उस टाइम कर सकते हैं कि ओके होल्ड करें इफ्तिखार को आखिरी तीन चार ओवर सीमर्स के लिए, कैंड पे जाके वो इम्पैक्ट डालें, और बीच में आपके पास फिर आज़म है जो स्पिन को बहुत अच्छा खेलता है और शादाब है. ऑलराइट, विद दैट लेट्स टेक अ लुक एट द नंबर्स गेम. राइट जी, ये है आज की नंबर्स गेम. हाईएस्ट स्कोरिंग रेट इन ओवर 16 टू 20 इन एचबीएल पीएसएल 2024. नाउ हाईएस्ट स्कोरिंग रेट इन द लास्ट फाइव ओवर्स इज लाहौर कलंदर्स विद द बेस्ट वन 11.93. मुल्तान सुल्तान्स जो है वो दूसरे नंबर पे हैं, जलमी तीसरे नंबर पे हैं, बट इस्लामाबाद यूनाइटेड आर राइट एट द बॉटम ऑफ दिस टेबल एंड दैट्स योर नंबर्स गेम. जो स्टैट आपने भी दिखाए हैं कि आखिरी पांच ओवरों में सबसे कम रन रेट है उनका एज अ बैटिंग टीम, दैट बिकॉज उनका इमाद और फहीम अशरफ दोनों नहीं चल रहे एज फार एज द बैटिंग कंसर्न, एंड दे रिलाई लॉट ऑन हिम, लॉट ऑन दीज टू. दोनों लेफ्ट हैंडर्स हैं, दोनों ने अभी तक बैटिंग से कोई इंप्रेस नहीं किया किसी को. और वी स्पोक अबाउट इट इन लेंथ प्रीवियसली अबाउट अ वीक अगो अबाउट इमाद वसीम. ही लुक्स वेरी क्वाइट क्रिकेट वाइज की बात कर रहा हूँ. बॉलिंग में भी कोई खास इंप्रेशन नहीं डाल रहा, फील्डिंग में भी नहीं है, बैटिंग में भी नहीं है. सो इट्स मस्ट बी वरिंग सम फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड फॉर हिमसेल्फ. आई थिंक एक और इसकी वजह भी है, अगर प्रीवियस ईयर्स में आप जाएंगे तो ये बेहतर होगा, जिसमें फहीम की बेहतर फॉर्म थी और आसिफ अली वो जो आके इम्पैक्ट डालते थे आखिरी के दो तीन ओवर्स में, वो भी नहीं आ रहा. कोई भी ऐसा बैट्समैन उस टाइम पे अगर तो आज़म खान खेल जाएगा तो वो इम्पैक्ट आएगा, वरना वो नहीं आएगा, क्योंकि वो आपने बिल्कुल राइटली कहा है वो नीचे वाले उनसे तो बैटिंग हो ही नहीं रही और कर ही नहीं पा रहे कुछ. इस्लामाबाद की कोशिश यही होती है अज़र के नीचे वालों की नौबत ही ना आए, ऊपर ऊपर से सारा काम हो जाए बेसिकली. कोशिश तो बड़ी होती है लेकिन होता नहीं ऐसा अक्सर, क्योंकि देखा गया जो रन रेट भी आ रहा है कि इनकी या तो बहुत जल्दी विकटें गिर गई हैं या उन्होंने आखिरी ओवर से पहले स्कोर पूरा कर दिया. तो आई थिंक दैट इज़ वेयर, क्योंकि अभी उनके पांच पॉइंट है, यानी दो मैच वो जीते हुए, एक बारिश की नज़र हो गया. बाकी मैचेस में ऑब्वियसली इन्होंने स्ट्रगल किया, स्पेशली व्हेन बैटिंग फर्स्ट. देखिए पहले तो होता था, पहले इस्लामाबाद के पास हमेशा अगर आप देखें आंद्रे रसल होते थे, जो छः पे आसिफ होते थे, सात पे वो पावर हाउस था नीचे, एंड देन फहीम. अब अगर आप देखें तो आज़म के बाद जो है वो उस तरीके से फायर पावर नहीं है जो कि एक जिसको कहते हैं ना कि एक रिप्यूट वाला कौन ऐसा प्लेयर हो जो आके वहाँ पे इम्पैक्ट डालेगा यार तीन चार छक्के एक ओवर में मार सकता हो, वो नहीं हो रहा. Yeah, that is causing. With that, we're going to take a break here on the pavilion. But when we come back, we are getting closer to the action. It is Islamabad United versus Peshawar Zalmi. Stay with us.
वेलकम बैक टू द पवेलियन. मैं फखर आलम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कंटिन्यूड कवरेज ऑफ एचबीएल पीएसएल 9. और आज रावलपिंडी अब से कुछ देर बाद आपके लिए खास मैच है, दैट इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस पेशावर ज़ल्मी. उसके बारे में हम बात कर रहे थे. विद मी इन द पवेलियन आई हैव गॉट फोर फैंटास्टिक फॉर्मर कैप्टन्स ऑफ पाकिस्तान. आई हैव गॉट अज़हर अली, मोहम्मद हफीज, मिसबाह उल हक एंड द ग्रेट वसीम अकरम. ब्रेक पे जाने से पहले वी वर टॉकिंग अबाउट बोथ द टीम्स एंड एवरीथिंग. One contest that would be really, really nice to see today is going to be Babar Azam and Naseem Shah. It'll be special. Yeah, it will be. यही तो पी एस एल का मजा है. आपके टॉप प्लेयर्स एक दूसरे के खिलाफ खेल रहे हैं. नसीम इंजरी से आ रहा है, इज बोलिंग वेल, इज गॉट बिट ऑफ पेस बैक, एंड बाबर इज इन सुप्रीम फॉर्म. You know, already got 100. He's top of the ladder as far as runs concerned. He's looking good on a good pitch so far. जो हमने पिच देखी है, so it'll be a cracker of a game. And I think जो भी टीम मेरे ख्याल में टॉस जीतेगी कोशिश करेगी कि पहले बॉलिंग करें यहाँ पे, बिकॉज बैटिंग सेकंड विद ड्यू फैक्टर it wouldn't be easier, but it'll be kind of, you know, more adaptability अच्छी होगी बैटर्स. Chasing would be the preferred. इस्लामाबाद तो यही करेगी. इस्लामाबाद तो टॉस भी जीतना बहुत जरूरी है. पेशावर कर सकती है बैटिंग, क्योंकि वो लास्ट मैचेस जीते हुए बैटिंग करके. बट आई थिंक जैसे वसीम भाई ने बात की, नया बॉल बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. पिंडी जो मर्जी हो जाए, इफ अ क्वालिटी बॉलर बॉलिंग विद अ न्यू बॉल, यू हैव चांसेस टू गेट विकेट्स. We have another matchup, very interesting one, that is Shadab versus Babar Hafiz. They've had quite a history as well. ये दोनों एक दूसरे के साथ कैरियर के पिछले 7-8 साल चुके हैं. नेट्स में एक दूसरे के साथ खेलते हैं, पीएसएल में मोस्टली एक दूसरे के खिलाफ खेले हैं. आई थिंक बाबर मुझे लगता है कि ज़्यादा डोमिनेट करते नज़र इसलिए आएंगे आपको या इस तरह के रन्स, क्योंकि उन्होंने वो स्पिन को अच्छा खेलते हैं. रोटेशन ऑफ स्ट्राइक उनका इतना इशू नहीं है, वो स्पिनर को सिंगल लेना जानते हैं. और शादाब ऑब्वियसली अगर 3 मरतबा आउट भी हुए हैं, यू कैन गेट आउट, लेकिन एज ए बैट्समैन आई थिंक बाबर लुक्स टू मी अ डोमिनेटिंग साइड. और ये भी मोस्टली अर्ली ऑन शादाब की, जब गुगली बहुत अच्छी थी उस वक्त मुझे याद है कि उस टाइम पे शादाब ने इनको आउट किया. लेटली अभी इस पीएसएल में गुगली शादाब की तरफ से उस तरीके से नज़र नहीं. जब वो करने जाते हैं तो वो या तो बहुत पीछे गिर रही है, अफेक्टिव नहीं हो रही. आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, बट वो एक वेपन जो अगेंस्ट बाबर समटाइम्स वो पिक नहीं करता गुगली को, वो मिसिंग है अभी शादाब की बॉलिंग में. Sir, here's a question. Why do we not see the flipper in action so much? Seem you remember the flipper, yeah. Shane Warne flipper, the Mushtaq Ahmed flipper, Abdul Qadir. I think Usama tried sometimes. Usama bowled bit quicker in that, but wo proper flipper ki. बिल्कुल. I think कोई भी leg spinner आजकल देखने ज़्यादा नहीं देखना है. I think Usman का ज़ैम्पा करता है. ज़ैम्पा is good. हाँ, वो करता है. उसके क्योंकि वो leg spin पे ज़्यादा leg spin उसका इतना बड़ा नहीं होता. वो ज़्यादातर वो wicket to wicket रखता है, लेकिन flipper उसका बहुत ज़बरदस्त है. कार को भी उसने out किया. बहुत important है. I think अभी भी मैं अगर बात करूं तो आपके जो करंट लॉर्ड इमरान ताहिर वाज़ द वन जिस बहुत ही आला फ्लिपर करता था. लेकिन ये कि उस्मान कादिर एक वाहिद बॉलर है जिनका एक वो फ्लिपर है, ये वाला बिल्कुल चुटकी वाला, लेकिन उसका कंट्रोल उतना नहीं है. लेकिन ये होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि गेट्स यू विकेट्स. और आपको लगता है कुछ चेंजेस होनी चाहिए ज़ल्मी और इस्लामाबाद में? ज़ल्मी की इस्लामाबाद में चेंज होनी चाहिए. आई सपोज इनका ये जो उन्होंने बैद मकॉय रखा है, ही माइट कम इन, शुड कम इन फॉर वन ऑफ द फास्ट बॉलर्स. रोमान रईस की जगह 3 ओवरसीज से खेले थे ना, चौथा ये है. इज़ अ लेफ्ट आर्म बॉलर, राइट? बिल्कुल. ज़ल्मी के लिए आपको लगता है, मैं ज़्यादातौर पर चाहता हूँ, मुझे लगता है कि हारिस और रसीब की जगह आमिर जमाल को खिलाना चाहिए इस पिच के ऊपर. एज अ बैटर? नो, एज ए बॉलर हु कैन बैट. नो, बट आपकी बहुत लंबी, इनकी पहले बहुत लंबी बैटिंग है. आसिफ नंबर 7 पे आ रहा है, 6 पे आसिफ है, इसमें पॉल वॉल्टर 8 पे है, लूक वुड जो पिछला मैच खेले थे ये 8 पे है. ये कर सकते हैं क्योंकि इनके पास बैटिंग इनफ है. और बाकी जो स्पिन ऑप्शन भी है वो भी अच्छा नहीं कर रहे. वन टू हैव जो आप उबैद मुकैय की बात कर रहे हैं, मकॉय जो है, अगर वो आते हैं तो ही कैन ऐड दैट वैल्यू. या ही कैन, ही कैन. एंड आल्सो वी गोइंग टू सी हाउ दिस टॉस गोज, बिकॉज़ दिस टॉस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली मिसबा फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड. द टॉस has always been very critical. Why? बिल्कुल. इस्लामाबाद तो मेरे ख्याल में जो मेंटल बैरियर है, दे हैव टू बेसिकली कम आउट ऑफ दैट, अदरवाइज आप टूर्नामेंट नहीं जीत सकते इस मेंटालिटी के साथ. क्या टॉस आ रहे हैं तो आधा मैच गया. सम हाउ दैट्स हैपनिंग विद इस्लामाबाद. बट आई थिंक ये इस तरीके से कर सकते हैं कि इनके पास डेथ बॉलिंग वैद मकॉय जो हैं वो अगर आएंगे, एटलीस्ट नसीम के साथ जो एंड के ओवर्स हमने हर मैच में देखा है कि इन्होंने एक ऐसे बॉलर से आखिरी ओवर कराया कि जो 20 रन आपको पड़ जाते हैं उसमें. यू नीड समवन एट
एट द एंड के आखिरी तीन चार ओवर आपको पता हो गया यार ये हमारे मेन बॉलर हैं, ये एटलीस्ट ये नहीं होगा कि 20-20 रन होंगे इनको. सो दे नीड टू बेसिकली सॉर्ट दिस आउट. All right, we're just getting ready for the toss. Both the captains are walking out. But once again, aap log agar hame join kar rahe hain to aap logon ko batate chalein ki ab se kuch lamhat baad Islamabad United aur Peshawar Zalmi ke toss ke liye hum log taiyar hain. This is time for a toss. All right, folks, Peshawar Zalmi have won the toss, selected to bowl. Aur ye aapki screen pe aa gayi Islamabad United ki playing 11. Ji Hafiz. Jis I think same team ke saath khel rahe hain, trusting on the players. Lekin utilization of talent is very important kyunki Shadab ke pichle do matches ke andar 18वां 19वां 20वें ओवर की जो डिवीजन थी वो इतनी अच्छी नहीं थी. सो लेट्स सी हाउ ही विल हैंडल दैट प्रेशर. लेकिन सो फार लुक्स अ गुड टीम और इन कंडीशंस के लिए भी एक सूटेबल टीम. ऑलराइट एंड अजर इट इज पेशावर ज़ल्मी विद द थ्री चेंजेस. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? ये बाबर को भी समझ नहीं आ रही थी दाऊ में किस तरह कितनी चेंजेस होगी. ये देखिए कैडमोर वापस आए. आई थिंक इस वेन्यू के ऊपर जो है वो बड़ा इफेक्टिव हो सकते हैं. आमिर जमाल जैसे हफीज भाई बात कर रहे थे उनकी पेस एंड बाउंस और जीशान जो इमर्जिंग हैं ये भी काफ़ी टॉल हैं. आई थिंक कंडीशनल चेंजेस किए हैं उन्होंने जैसे बाबर बता रहे थे. यू नो टॉप ऑर्डर उनका पावर हाउस है ही है. बाबर और साइम बहुत ज़्यादा फॉर्म में है. सो इट बी नाइस टू सी दिस गेम. ऑलराइट विद दैट इट्स टाइम फॉर द एक्सपर्ट प्रेडिक्शन. जी मिसबा. पेशावर. पेशावर. स्किप. पेशावर इट्स अ गुड टॉस टू विन. पेशावर. सेम सेम. पेशावर. चलो एक दस इस्लामाबाद भी होना चाहिए. इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड दोज आर योर एक्सपर्ट प्रेडिक्शंस. भाई दोस्तों टॉस हो चुका है. मौसम ठंडा है. रावलपिंडी से बराह रास्त आपके लिए मैच आ रहा है. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू अजहर. थैंक यू फीज. थैंक यू मिसबा. थैंक यू स्किप. हम आप लोगों की खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे आफ्टर द गेम. स्टे विद अस. कीप वॉचिंग द गेम ऑन ए स्पोर्ट्स. द एचपीएल पीएसएल 9 कवरेज कंटिन्यूज. इट्स इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेज पेशावर ज़ल्मी. सी यू ऑन द अदर साइड.